राधे राधे। बेल पत्र का पत्ता 7 पत्ते लेकर के आप जाएं, अखंडित हो, टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो, कोई छिद्र ना हो पत्तों पर। 7 पत्ते, 3 जोड़े के हों तो बहुत उत्तम है, 5 जोड़े के हों तो और भी उत्तम है, क्योंकि वो 3 पत्ते मिलते हैं, एक बीच का, 2 साइड के। उन तीनों पत्तों में शुद्धता होनी चाहिए, अखंडता होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। और सिंदूर से, मोर पंखी से उन बीच वाले पत्ते पर जय श्री राम लिखें और उसको उल्टा करके शिवलिंग पर रख दें और वहां रखते समय ओम नमः शिवाय का जप करें। मनोकामना मन में बोलें, निश्चित मान लीजिए आपका कार्य हो जाएगा, कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। भांग आपके आसपास होती ही है, थोड़ी सी भांग की पत्तियां आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, धतूरे के फल आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। तो अगर आप ये सब बातें, बेल का फल, जो बेल का फल होता है, बेल पत्र का जो फल होता है, वो आप 2 फल अगर आप चढ़ाते हैं तो आप समझ लीजिए आपके हजारों यज्ञ, आप हजारों यज्ञ करेंगे तब जो फल प्राप्त होगा। श्रावण मास में 7 बेल पत्र और 2 बेल के फल आप शिवलिंग पर अगर चढ़ाएंगे तो वो फल जो आपको यज्ञ करने से प्राप्त हुआ है वो उसी से प्राप्त होगा। लेकिन श्रावण मास में राधे राधे।